खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। देवघर सारठ मुख्य मार्ग 12 टाण डकाए जंगल के समीप सवारी गाड़ी और ट्रक की भिड़ंत होने से घटना स्थल पर 4 आदमी की मौत हो गई और एक आदमी की इलाज के क्रम में देवघर अस्पताल में मौत हो गई और 12 आदमी घायल हैं जिसका इलाज चल रहा है। मरने वालों में अनिल मंडल, सीताराम मंडल, सरोज मंडल, भुटका मंडल एवं गाड़ी चालक राम सिंह के रूप में पहचान की गई। बताया जाता है कि पालाजोरी थाना क्षेत्र के रांगाटाण गाँव से लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए सुल्तानगंज जा रहे थे। इसी बीच देवघर की तरफ से आ रही ट्रक अनियंत्रित होकर सवारी गाड़ी को टक्कर मारते हुए निकल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक को पीछा करते हुए पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही विधायक बादल पत्रलेख, समाज सेवी चिरंजीव यादव अपने टीमों के साथ पहुंचे और घायलों को मदद करने के लिए राहत कार्य में लग गए और तुरंत बाद सारवा थाना प्रशासन भी मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया। मृतकों के घर वालों को सूचना मिलने पर घर वाले भी घटनास्थल पर पहुंचा और दहाड़ मारकर रोने लगे। देखते ही देखते देवघर सारठ मुख्य मार्ग लगभग 4 घंटे तक जाम लगा रहा। जाम लग जाने से हजारों की संख्या में वाहन जाम में फंसे रहे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि देवघर सारठ मुख्य मार्ग में बराबर एक्सीडेंट होते आ रही है। इसी कारण यह कि सड़क की चौड़ाई कम रहने के कारण काफी एक्सीडेंट हो जाती है। यह सड़क अगर चौड़ी हो जाती है तो एक्सीडेंट नहीं होगी। ग्रामीणों ने सरकार से यह सड़क 4 लाइन में तब्दील करने के लिए आग्रह। खबर 365 न्यूज के लिए देवघर सारवा से जयप्रकाश यादव की रिपोर्ट। अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 4 गाड़ियों में घायलों को भेजा गया है कंसर्न हॉस्पिटल में। 5 लाशें यहाँ पड़ी हुई है। यहाँ के उपायुक्त राहुल सिन्हा जी से बात हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर सब एक्शन में है। सारवा थाना की पुलिस हताहतों मरमाहत को लेकर हॉस्पिटल पहुँच चुकी है और यहाँ के स्थानीय सारे जनप्रतिनिधि सबका कॉपरेशन मिल रहा है। इस घटना के बारे में इतनी हृदय विदारक है, एक डेड बॉडी को ले जा रहा है इस तरह का तेज गति से आते हुए ट्रक न अनियंत्रित होके इस तरह का जो घटना को अंजाम दिया है उसके कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन सबसे पहले कहाँ के हैं इनके परिजन हैं, सारठ इलाके के हैं, झिलवा गांव के हैं, कोई बारा बावनगामा के हैं, कोई डिंडा कोली के हैं, सब कुछ अभी आइडेंटिफाई नहीं हो सका। आइडेंटिफाई करवाने में लगे हैं और जिला से पूरी टीम माननीय उपायुक्त के आदेशानुसार चल चुका है और उसके बाद की जानकारी हम आपको